من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. पहले फास्ट होगा तुम्हारा जिस पे जाएगा आइए आप और मैं हम सब मिलकर के आकाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में और गुम्बद खजरा की जानिब लौ लगाते हुए बा आवाज़ बुलंद और एक साथ मिलकर झूम झूम कर हदियाए दुरूद का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मोहम्मद इम्मादिल जूदि वल करम वआलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। सबसे पहले तमामी हजरात को माह मुहर्रमुल हराम की मुबारकबाद पेश करता हूँ, कबूल कीजिए। और मनकबत के चंद असार पढ़ने से पहले कता के तौर पर सिर्फ दो असार नात के समात फरमाए। लब पर नाते पाक का नगमा आज भी है लब पर नाते पाक भी है और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखें और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखें अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है से मेरा रिश्ता कल भी थार और पस्त वो कैसे हो सकता है कि जिसको हक ने बुलंद किया।
पस्त वो कैसे हो सकता है कि जिसको हक ने बुलंद किया दोनों जहां में उल्का चर्चा कल भी था और आज भी है दोनों जहां में उल्का चर्चा कल भी था और आज भी है मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है बतला दो गुस्ताखे नबी को कि गैरत सुन्नी जिंदा है बतला दो गुस्ताखे नबी को के गैरत सुन्नी जिंदा है दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है दुरूद पाक पढ़ लीजिए अल्लाह अला नबी वमीवादिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन कबत के चंद आसार समाप्त फरमाए मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है हैदर की इसमें जाहे खूने बतूल हैदर की इसमें जाहे खूने बतूल है तू उनके दर से मांग जो कुछ भी जी करे तो उनके दर से मांग जो कुछ भी जी करे मालिक सभी जहान की मालिक सभी जहान की आले रसूल है मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है और गुजरे जहां जहां से नवासे रसूल के गुजरे जहां जहां से नवासे रसूल के अब तक वहां खुदा के अब तक वहां खुदा के करम का नुज़ूल है मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है और ऐसी अजीम जात है मौला हुसैन की ऐसी अजीम जात है मौला हुसैन की के जिसके लिए हुजूर के
जिसके लिए हुजूर के सजदों में तूल है, मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है। और आखिरी शेर मुलाजा फरमाए कि जिसके लिए यजीद ने लाखों सितम किए, जिसके लिए यजीद ने लाखों सितम किए, वो ताज तो हुसैन के, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है, मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जां है खूने बतूल है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। जी हाँ ठीक है। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وعلانا وأولانا ومأوانا وملجانا طبيب قلوبنا شفيعا شفاء صدورنا مطلوبنا مقصودنا موجودنا محبوبنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين الى غير النهاية। موزز سامعین کرام, ملت اسلامیہ کے بزرگوں, نوجوان دوستوں, پیارے اسلامی بھائیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول لبکشائی سے پہلے اور کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے انتہائی جذبے عقیدت و محبت کے ساتھ رب کے محبوب دانائے غیوب
نبی رحمت کون و مکان تاجدار انس و جان انیس الغریبین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین مراد المشتاقین سبز گنبد کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیے درود پاک پیش کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة تبقى بتدوم دوام الملك الحي القيوم۔ پیلے جو شراب عشق نبی مرتا ہو تو جینا آ جائے۔ موسم ٹھنڈا ہے اس کا اثر ہوا ہے شاید۔ ویسے میں کیا، پوری دنیا جانتی ہے کہ جو عاشق رسول ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کا ذکر سن کے اچھل جایا کرتے ہیں۔ حرارت پیدا کیجئے۔ پی لے جو شراب عشق نبی مرتا ہو تو جینا آ جائے، اے بادہ کشو مانگو یہ دعا پینے کا قرینہ آ جائے۔ اے بادہ کشو مانگو یہ دعا پینے کا قرینہ آ جائے۔ اور خوش نصیب ہیں ہم لوگ جو رب کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، ان کی آل کا ذکر کرتے ہیں، ان کی اولاد کی یاد منایا کرتے ہیں۔ مم ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ، سبحان اللہ، مم ماتا حب آل محمد ماتا مومنہ، سبحان اللہ، جو آل نبی کی محبت میں مرا وہ مومن، جو آل نبی کی محبت میں مرا وہ شہید ہو جاتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ نبی سے بھی الفت کرتے ہیں اور ان کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہماری محبت کو قبول فرمائے۔ اور جن جن لوگوں نے 10 روزہ محفلوں کا انعقاد کیا ہے، مولا تعالیٰ انہیں حسنین کا صدقہ عطا فرمائے۔ اللہ اس مجلس کو قائم رکھے، دائم رکھے، صبح قیامت تک اسے اسی طریقے سے ہمیں یاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پایا جو ہم نے عشق نبی، پایا ہے جو ہم نے عشق نبی، ہم سب کی خوشی کا یہ عالم ہے، محتاج کے ہاتھوں میں جیسے انمول نگینہ آ جائے۔ محتاج کے ہاتھوں میں جیسے انمول نگینہ آ جائے۔ اور دعویٰ ہے محبت کا جو تمہیں، یہ شرط وفا بھی یاد رہے۔ محبت کا دعویٰ تو بڑا آسان ہے، لیکن اس کو دلیل پیش کرنا مشکل ہوا کرتا ہے۔ اور ہماری زندگی ایک دلیل بن جائے تو ہماری زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ دعویٰ جو محبت کا ہے تمہیں، یہ شرط وفا بھی یاد رہے۔ دعویٰ جو محبت کا ہے تمہیں، یہ شرط وفا بھی یاد رہے، ہر ذرے پہ قربان ہو جانا جس وقت مدینہ آ جائے۔ ہر ذرے پہ قربان ہو جانا جس وقت مدینہ آ جائے۔ ہر ذرے پہ قربان ہو جانا جس وقت مدینہ آ جائے۔ حضرات محترم، آج کی یہ محفل پہلی محفل ہے، چاند رات کی محفل ہے، اور آپ کے مقرر خصوصی انشاءاللہ کل سے ان کا بیان ہوگا۔ میں تو صرف آپ کی دل جوئی کے لیے بارش میں بھیگتا ہوا آ گیا ہوں، اور بس یہ تمنا تھی کہ محفل میں شریک ہو جاؤں اور میں بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لوں۔ اللہ میری حاضری کو اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، صحابہ کا ایمان دیکھیے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت دیکھیے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار، سبحان اللہ۔ کیسے عاشق؟ ہر عاشق کو اپنے محبوب میں تمام خوبیاں نظر آتی ہیں اور اپنے محبوب کی تعریف کیا کرتا ہے،
लेकिन ये बारगाहे रसूल के ऐसे आशिक हैं कि इश्के नबी में शायर बन गए हैं। सुभान अल्लाह, इश्के नबी में इतना वलवला पैदा हुआ, दीवानगी पैदा हुई, जुनून पैदा हुआ कि बारगाहे रसूल कायना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायर बन गए। और ऐसे शायर बन गए, ऐसा शेर कहते थे कि जमाने में उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। हजरत हसन इब्ने साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वहसनु मिनका लम तर कत्तु आईनी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, वहसनु मिनका लम तर कत्तु आईनी, आपके जैसा हसीन, आपके जैसा खूबसूरत तो मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। वहसनु मिनका लम तर कत्तु आईनी, आपके जैसा खूबसूरत, आपके जैसा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। और जब लोगों ने कहा कि आपकी आंखों ने क्यों नहीं देखा, क्या दुनिया में कोई हसीन नबी से ज्यादा नहीं है, तो जवाब में इरशाद फरमाते हैं, वह अजमल मिनका लम तलतिन निसाऊ, अरे मेरी आंखें देखेंगी कैसे, किसी नारे ऐसे हसीन जगह ही नहीं है, मेरी आंखें देखेंगे कैसे, कोई ऐसा हसीन किसी माने जना ही नहीं है। सवाल पैदा होता है, हो सकता है कोई अकल का अंधा यह सवाल करे कि हजरत हसन इब्ने साबित रजी अल्लाह तआला उन्होंने वफूर अकीदत की बुनियाद पर यह बात कह रहे हैं। जैसा कि आजकल कहा जाता है कि सुन्नी लोग नबी को खुदा के बराबर, माजल्ला सुम्मा माजल्ला, अरे खुदा की अजमत कितनी है, उसकी रफात कितनी है, उसकी बुलंदी कितनी है, उसको तो कोई जान ही नहीं सकता, मगर नबी की अजमत कहां तक है हमें पता है। कि सब कुछ कहो मगर मेरे नबी को खुदा ना कहो, सब कुछ कहो, खुदा का महबूब कहो, खुदा का हबीब कहो, लेकिन हजरत हसन इब्न साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से हो सकता है कोई अक्ल का अंधा ये सवाल करे कि ऐ हजरत हसन इब्न साबित के अशार को पढ़ने वाले जरा सुन, हजरत हसन इब्न साबित ने पूरी दुनिया को तो देखा नहीं था, वो पूरे अकीदत की बुनियाद पर ऐसी बात कर रहे हैं कि नबी के जैसा दुनिया में कोई हसीन नहीं। हजरत हसन इब्न साबित मदीने के रहने वाले, मक्के में घूमने वाले, ज्यादा से ज्यादा अरब के ममालिक को देखे होंगे, मुल्क शाम को देखे होंगे, इराक को देखे होंगे, ईरान को देखे होंगे, ऐसी जगहों पर उन्होंने तफरीह की होगी, ऐसी जगहों का उन्होंने देखा होगा, मुआयना किया होगा, हो सकता है ऐसी जगहों पर कोई ना मिला हो, लेकिन उन्होंने रशिया को देखा नहीं, चीन को देखा नहीं, जापान को देखा नहीं, अमरीका को देखा नहीं, हाईलैंड को देखा नहीं, थाईलैंड को देखा नहीं, और उन्होंने हिंदुस्तान को देखा नहीं, पाकिस्तान को देखा नहीं, तो किस बुनियाद पर वो ये कह रहे हैं कि सारी दुनिया में, पूरी कायनात में नबी से ज्यादा हसीन नहीं। एक सवाल पैदा हो सकता है लोगों के जहन में, एक ख्याल पैदा हो सकता है लोगों के जहन में, क्योंकि ख्यालात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है, इस इंसान की जबान पे तो पाबंदी लगाई जा सकती है मगर उसके ख्यालात की परवाज पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। और सवाल करने वाला यह सवाल कर सकता है कि हो सकता है कि अमेरिका में नबी से ज्यादा कोई हसीन हो सकता है कि रशिया में नबी से ज्यादा कोई हसीन हो सकता है चाइना में नबी से ज्यादा कोई हसीन हो सकता है इंग्लैंड में नबी से ज्यादा कोई हसीन हो सकता है थाईलैंड में नबी से ज्यादा कोई हसीन हो सकता है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, और हो सकता है से ज्यादा कोई हसीन पैदा हुआ हो, लेकिन हजरत हसन की आंखों ने तो पूरी कायनात का मुआयना नहीं किया है। फिर किस उसूल की बुनियाद पर हजरत हसन ये कह रहे हैं, हम इस बात को नहीं मानेंगे। अगर हो सकता है कोई इनकार करे तो हजरत हसन की रूह से मैंने सवाल किया, ऐ हजरत हसन, क्या आपने पूरे अकीदत की बुनियाद पर यह बात कही, तो हजरत हसन जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने वो पूरे अकीदत की बुनियाद पर यह बात नहीं कही है, बल्कि हदीस जिब्रील की बुनियाद पर यह बात कही है, मैंने हदीस जिब्रील की बुनियाद पर यह बात कही है। हसन की आंखों ने तो दुनिया को मुआयना नहीं किया है, लेकिन जिब्रील ने शर्क मशरिक को भी देखा है, मगरिब को भी देखा है, शुमाल को भी देखा है, जुनूब को भी देखा है, और जब
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनसब पर फायज हुए मेराज की शम में, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहदीस नेमत की बुनियाद पर हजरत जिब्रील से सवाल किया था कि हे जिब्रील, तुमने शर्क और गर्ब को देखा है, मशरिक और मगरिब को देखा है, शुमाल और जुनूब को देखा है, ये बताओ मेरे जैसा भी तुमने कोई हसीन देखा है? तो इसी बात को इमाम अहमद रज़ा ने इसको मोहब्बत के नाम में अपनी ज़बान में कहा है, बरेली की चटाई पर बैठ करके कहा है कि दीदाम उसने बतावर दीदाम बिस्यार खूब दीदाम लेकिन तू चीजें दी गरी। और आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्को मोहब्बत बरेली की सरजमीन से आवाज देते हैं, बरेली की समीन सरजमीन से जो आवाज देते हैं कि यही बोले सिदरा वाले चलने चाह के थाले सही हुए छाए उड़ाए, तेरे पाल का पाला तुझे एक नेक बनाया, तुझे एक नेक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। ये है सहाबी का अकीदा, ये है सहाबी का अकीदा। अदीदा ने मिलत इस्लामिया आज ज्यादा बात नहीं करनी है, मुख्तसर सी बात करनी है, लेकिन उस मुख्तसर सी बात में मैं ये चाहता हूं कि कुछ आप लोगों को पते की बात भी बताता चलूं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबे और उनकी अजमत भी आप सीखते चलें। आप में से क्या कोई बता सकते हैं कि पूरी कायनात में सबसे ज्यादा मुकद्दस मुअज्जम मोहतरम पानी कौन सा है? सोच के बताइए। जमजम का। आप कहीं बोर तो नहीं हो रहे? क्योंकि मुझे मालूम है आप हजरात बहुत नाजुक मिजाज होते हैं, मुझे मालूम है बहुत नाजुक मिजाज होते हैं, अगर कोई बात लग गई दिमाग को तो बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। बुरा ना मानिएगा, मैं कुछ देने आया हूं, मैं कुछ देने आया हूं, और इंशाअल्लाह आप महसूस होंगे पूरी कायनात के अंदर आपने जवाब दिया जमजम। मैं उस पानी की बात कर रहा हूं जिस पर जमजम भी रश कर रहा है, सुभान अल्लाह। मैं उस पानी की बात कर रहा हूं जिस पर जमजम को भी नाज है, जिस पर जमजम भी रश कर रहा है। कौन सा वो पानी है? एक इशारा दे देता हूं, जिसे सिर्फ एक बार देखा गया, एक बार पिया गया, सुबह कयामत तक न देखा जाएगा न पिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजवे वहद से बाहर निकल रहे हैं, आपने गजवे के बाहर जब आप आए और अपने काफिले के साथ चल रहे हैं, काफी अरसा हो गया है, चलते चलते मदीने की तरफ काफिला रवा दवा है, और एक सहाबी दौड़ते हुए आते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, बहुत अरसे से हमारे खेमे में पानी नहीं रह गया है, खेमे में पानी खत्म हो गया है, वजू बनाने के लिए पानी नहीं है, गुस्ल करने के लिए पानी नहीं है, हाजत के लिए पानी नहीं है, या रसूल अल्लाह बहुत सारे आपके आशिक ऐसे हैं, आपके सहाबा ऐसे हैं जो पानी न मिलने की वजह से जा बलब है और उनको गशी आ रही है, चक्कर आ रहा है। इतना सुनना था कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में आ गई अपने एक सहाबी अपने एक गुलाम से, जैसे ही आपने सुना, सुनने के बाद में सेहरा है, मैदान है, मैदान ही में आप बैठ गए, और बैठने के बाद आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी करीबा, जाके खेमों में तलाश करो, कोई किसी के पास थोड़ा भी पानी हो तो लेकर के आ जाओ। तशरीफ ले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हो गए, वो सहाबी जाकर के ढूंढ करके आते हैं, मगर खेमे में कहीं पानी एक कतरा भी पानी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इसके ताल्लुक से तमाम अहदीस करीमा मौजूद है कि एक पत्थर पर आपने अपने पंजे को ऐसे ही रख दिया, और रखने के बाद अपने पावर वाली उंगली का आपने इस्तेमाल किया, वो पावर की उंगली का इस्तेमाल करना था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांचों उंगलियों से धारा निकल पड़े हैं, चश्मे उतर पड़े हैं, और तारीख बताती है कि नहाने वालों ने नहा लिया है, पीने वालों ने पी लिया है, और इस्तेमाल करने वालों ने इस्तेमाल भी कर लिया है, तमाम मुश्किल भर गए, मगर ये पानी खत्म नहीं हुआ। बरेली के सरदार अर्ज करते हैं,
उंगलियां है फौज पर, टूटे हैं पैसे छोड़कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। ये वो पानी है जिसे गुलामों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार पिलाया है सुबह कायमत तक, ऐसा पानी किसी को नसीब ना होगा। और मैंने हाथ जोड़कर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे सर के ताज, बन के आंखों में नूर रहते हैं, शेर याद आ गया है, बन के आंखों में नूर रहते हैं, बन के दिल में सुरूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं, बन के दिल में सुरूर रहते हैं, अरे यही दिल काबा भी है, यही मदीना भी, यही दिल काबा भी है, यही मदीना भी, क्योंकि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, क्योंकि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मदीना सब पैरों के नीचे, अस्तगफिरुल्लाह, यही दिल काबा भी है, मदीना भी, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। अर्ज ये कर रहा था बारगाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हाथ जोड़कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जब वहां पत्थर मौजूद था, जब वहां पत्थर मौजूद था, आप इशारा कर देते, पत्थर से पानी निकल जाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो पूरी जिंदगी ये दुआ मांगते रहे कि ऐ मौला ताला, मुझे आखिरी नबी, नबी आखिरुज़्ज़मा का गुलाम बना के पैदा कर दिया होता तो नबूवत से ज्यादा अहमियत मिल जाती। जब वो नबी पत्थर पर लाठी मारकर 12 चश्मे निकाल सकते हैं, तो या रसूल अल्लाह, फितरत को आपने क्यों चेंज कर दिया, आपने फितरत क्यों बदल दिया, आपने फितरत क्यों बदल दिया, पत्थर पर आप भी इशारा कर देते और इशारा करने से चश्मे उबल जाता और आपके गुलाम पानी से सैराब हो जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम ख्याल में जवाब दिया, ऐ नादान, तू ये नहीं जानता है, पूरी दुनिया यहूद और नसारा ताना देते कि तुम्हारे नबी ने वही अमल किया जो मेरे नबी ने किया था, इसलिए मैं खुदा का हबीब हूं, मैं करीम नहीं हूं, जो पत्थर से पानी निकालो, मैं खुदा का हबीब हूं, मैंने फितरत को बदल दी, जहां से खून निकलना था वहां से पानी निकाल दिया, जहां से खून निकलना था वहां से पानी निकाल दिया। और बात आ रही है जहन में, वो जगह बता सकते हैं जो पूरी कायनात में सबसे ज्यादा मुकद्दस है, वो जमीन कौन सी जमीन है? आशिकों की पहचान है, सुभान अल्लाह, आशिकों की पहचान है, महबूब जहां हो उस जगह को ना मालूम हो तो आशिक कैसा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके इल्म में और बरकतें अता फरमाए और हम सब के इल्म में बरकतें अता फरमाए। वो आशिक ही क्या जो महबूब के ताल्लुक से, किसी आशिक से हजरत मौलाना रूम ने पूछ लिया, किसी आशिक से मौलाना रूम ने पूछ लिया, तुझे कौन सी जगह पसंद है, तू पूरी दुनिया जहानिया जहां गश्त है, पूरी दुनिया की सैर कर रहा है, पूरी दुनिया को घूम रहा है, पूरी दुनिया घूम के आया है, तुझे कौन सी जगह पसंद आई है? आशिक ने क्या प्यारा जवाब दिया, मुझे वो जगह पसंद आई जहां मेरा महबूब रहता है, पूरी कायनात में मुझे वो जगह पसंद है जहां मेरा महबूब रहता है। ऐ दीवाने, इसीलिए तो हम जीते हैं हिंदुस्तान में, मरने की बात करते हैं तो मदीने की बात करते हैं, इसीलिए शायर कहता है, किसी ने होगी जन्नत तो किसी ने दौलत, किसी ने होगी है जन्नत तो किसी ने दौलत, हम मरने के मदीने में दुआ मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। पूरी कायनात में सबसे ज्यादा मुकद्दस, मुअज्जम, मोहतरम कौन सी जमीन जी? जहां पर मेरे सरकार आराम फरमा है। यही सवाल मैंने उनसे भी किया था तो सबको मक्का नजर आया, यही सवाल जब मैंने वहां किया तो सबको मक्का नजर आया। क्यों? घर के पड़ोस में अबू जहल रह करके पूरी जिंदगी काफिर का काफिर ही रह गया,
मगर हजरत अवेस के दिल में मोहब्बत का चिराग जब रोशन हुआ तो करम की सरजमीन से आशिकों के सरदार बन गए। करम की सरजमीन में होने के बावजूद हम आशिकों के सरदार बन गए, बिन देखे नबी से मोहब्बत करने वालों के सरदार बन गए। ये तो मोहब्बत की ये दीवानगी बड़ी चीज है सीमा, ये उनका करम है जिसे दीवाना बना ले, ये उनका करम है जिसे दीवाना बुला ले, जिसे दीवाना बनाए। ये दीवानगी सबको नहीं मिला करती है। शामी बहुत बड़ी किताब है, बैजावी शामी, अल्लामा शामी अलैहिर रहमा जिन्होंने शामी किताब लिखी है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह आराम फरमा है वो सरजमीन अर्श आजम से भी ज्यादा मोतबर रख, उसका मकाम अर्श आजम से भी ज्यादा बुलंद है। और लोग मक्के और काबे की बात करते हैं कि काबे की सरजमीन बहुत ज्यादा, काबे की सरजमीन, काबा को अल्लाह ने अपना घर कहा है हमारे सरों आंखों पे, लेकिन ये वो जमीन है जिस पर काबा भी नाज करता है, ये वो जगह है जिस पर काबा भी नाज करता है। और अल्लाह ने शान फरमाता है कि वो सरजमीन जहां पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है उसके जर्रे जर्रे पर अर्श आजम नाज करता है, अर्श आजम को भी नाज है। मेरे दोस्तों, मैं बताना सिर्फ ये चाहता हूं कि उस जर्रे में कोई खूबी नहीं है। आप जरा दिल से सोचो, जिस जगह पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है क्या उस जर्रे की अजमत है? मैंने पानी को मुकद्दस कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से निकला पानी, तो क्या उस पानी की अजमत है? नहीं। पानी मेरे आका के जिस्म मुकद्दस से निकला, मेरे आका के जिस्म से लग गया, इसलिए उसकी अजमत बढ़ गई। और जिस जगह पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, वो जर्रा जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लग गया तो उस जर्रे की अजमत बन गई, वरना जर्रे में कोई कदर मंजिलत नहीं है, और ना ही उस पानी की कोई कदर मंजिलत है। कदर मंजिलत इसलिए है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीजें लग गई हैं, मेरे आका से जो लग जाएगा उसकी कदर मंजिलत बढ़ जाएगी। तो इंशाअल्लाह हम भी अपना सब कुछ आका से लगा देंगे, वादा है, दिल भी लगाएंगे और तन मन धन सब कुछ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर देंगे। मैंने अर्ज किया है कि सहाबा का अकीदा देखिए, सहाबा का ईमान देखिए। बात जहन में आ रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरसे हदीस फरमा रहे हैं, इब्तिदाए इस्लाम है, गुर्बत का मामला चल रहा है, बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तमाम सहाबा हाजिर हैं और पर्दे का हुक्म हो चुका है, खवातीन इस्लाम भी दरसे हदीस सुनने के लिए आ रही हैं, पर्दा लगा हुआ है, एक तरफ खवातीन इस्लाम हैं और एक तरफ सहाबे किराम हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स फरमा रहे हैं, दर्स फरमा रहे थे और दर्स देने के दरमियान में एक आवाज आई खवातीन के अंदर से, और जब आवाज आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स देने रोक दिया। उस खवातीन की तरफ मुतवज्जे हो गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौन सी बहन है, कौन सी खवातीन है, कौन सी खातून है, क्या कहना चाहती है, जरा ऊंची आवाज में बोलो। वहां से आवाज आती है, या रसूल अल्लाह, बहुत दिनों से मैंने एक कपड़ा तैयार किया है, मैं कई दिन से आ रही हूं आपकी महफिल में, देख रही हूं कि आपके बदन पर जो कपड़ा है उसमें 17 जगह पैबंद लगे हुए हैं, मेरी गैरत और मेरी हमीयत को यह गवारा ना हुआ कि जो महबूबे परवरदिगार हो, जो सारे जहान का मालिक व मुख्तार हो, उसके बदन पर पैबंद वाले कपड़े हो। या रसूल अल्लाह, कमीज ने आपके लिए एक कपड़ा तैयार किया है, एक जुब्बा तैयार किया है,
अपने हाथों से उसमें कढ़ाई की है, बुनाई की है, बड़ी ही मोहब्बत से मैंने ये जोड़ा तैयार किया है, अगर कबूल फरमाएंगे तो कनीज की जिंदगी समर जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े, यूं मुस्कुराए जाने से गलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जाने से गलियों में पड़ गई, और यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े, इरशाद फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा चले जाओ और वो मां क्या दे रही है लेके आ जाओ। सुभान अल्लाह, सब जीते हैं अपने लिए, सुभान अल्लाह, सब जीते हैं अपने लिए, वो कितना खुश नसीब होगा जो जी रहा है नबी के लिए। वो मां ने दुपट्टे में लपेट करके वो जुब्बा दिया, और जुब्बा लेकर के हजरत अबू हुरैरा बारगाह रसूल में हाजिर होते हैं, कदमों में पेश कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको खोल करके देखा, तबस्सुम फरमाया, यानी उस मां की जिंदगी संवर गई, यानी आपने कबूल फरमा लिया। और कबूल फरमाने के बाद दर्स हदीस रोक दिया, आप हुजरे आयशा में तशरीफ ले गए, और अंदर जाने के बाद आपने अपना वो पेवंद वाला कुर्ता उतार दिया, और जो मां ने मोहब्बत से बना के दिया था उसे ज़ेबे तन फरमा लिया। सुभान अल्लाह, आप जब अपने हुजरे आयशा से बाहर आए जहां दर्स हदीस दी जा रही थी, जब आप वहां आए तो हजरत अय्यूब अंसारी फरमाते हैं, खुदा की कसम जिसके कब्जे में अय्यूब की शान है कि मैंने जहाबी के चेहरे को देखा तो मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि आसमान का चांद ज्यादा हसीन है कि आपका महबूब ज्यादा हसीन है। मेरी नजरें नहीं काम कर रही थी, मेरी अकल नहीं काम कर रही थी, मेरे नबी तो हसीन थे ही पूरी कायनात में सबसे ज्यादा हसीन, लेकिन सुर्ख रंग का जब आपने जुब्बा पहन लिया तो आपके हुस्न में और चार चांद लग गए। हजरत अय्यूब अंसारी फरमाते हैं, हजरत अय्यूब अंसारी फरमाते हैं कि मैं कभी नबी की सूरत को देख रहा था और कभी मेरे ख्याल में चांद घूम रहा था, मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि चांद ज्यादा खूबसूरत है या नबी की सूरत। हजरत अय्यूब अंसारी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, फिर से दर्स हदीस शुरू, और हम तमाम लोग नबी की बातों को सुन रहे थे, अपने जहन में उन बातों को रख रहे थे कि इतने में एक सहाबी आते हैं, परेशान हाल है, बिखरे हुए बाल है, परागंदा हाल है, चेहरे से पसीने टपक रहे हैं, और वो है बारगाहे रसूल में हाजिर होकर दो जानू बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ कहा जिसे हम लोग ना सुन सके, और कहने के बाद हमारी नजरों ने देखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े हो गए, फिर हुजरे आयशा में चले गए, और वहां से जब वापस आ रहे हैं तो जो जुब्बा आपने पहना था वो लपेटा हुआ है, और पहले जो आपने पेमंद वाला कुर्ता पहना था वो आपके जिस्म पर ज़ेबे तन हो चुका है। अल्लाहु अकबर। हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि माजरा कुछ समझ में नहीं आ सका कि आखिर हो क्या रहा है, ऐसा लग रहा था कि फिर चांद बदली में आ गया है, ऐसा लग रहा था कि फिर चांद बदली में आ गया, जो रौनक थी उस जुब्बे से महफिल में जो रौनक थी वो रौनक खत्म हो गई। इब्तदाई इस्लाम का मामला है, गुर्बत का मामला था, आज तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि अपने हबीब के सदके में अल्लाह ने हमें खुशहाल रखा है, लेकिन इब्तदाए इस्लाम में खुशहालियां नहीं थी मेरे भाई, मेरे भाई खुशहालियां नहीं थी, ये नबी का सदका है जो हम खा रहे हैं, जी रहे हैं और जिंदगी गुजार रहे हैं। ये वो दौर था कि जिस दौर में खुद नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अल्लाह ने मुख्तार कायनात बनाकर भेजा,
زمین و آسمان کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، مگر تین تین دن تک آپ فاقے میں گزارا کرتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھ لیا تھا، یہودی نے پوچھا تھا، اے ابو ہریرہ کیوں مر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، آجا میرے ساتھ. میں نے سنا ہے کہ اصحاب صفا جتنے بھی ہیں ان کو کھانے کا ٹھکانہ نہیں ہے، پانی کا ٹھکانہ نہیں ہے، پھر بھی تم لوگ ان کے در پہ پڑے ہوئے ہیں، جاؤ ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے، جو چاہو گے وہ تمہیں دے دیں گے، جتنا چاہو گے مال ملے گا، اور جس لڑکی سے چاہو گے تمہاری شادیاں کرا دیں گے، چار دن کی زندگی خوشحالی کی زندگی بسر کرو، کیوں ان کے در پہ پڑے ہوئے ہو. تو ابو ہریرہ نے کتنا پیارا جواب دیا تھا، حضرت ابو ہریرہ نے کہا، اے نادان تم ہمیں مال دے دے گا، ہمیں خوشحالی دے دے گا، لیکن وہ چہرہ کہاں سے دے گا جسے دیکھ کر ہماری بھوک اور پیاس مٹ جایا کرتے ہیں، وہ جانا کہاں سے دے گا جن جانوں کو دیکھ کر ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے، ہمارے پیاس مٹ جاتے ہیں. تو ہمیں غریب نہ سمجھ، تو ہمیں فقیر نہ سمجھ، ہم اتنے امیر ہیں کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھتے رہے تو ہم برسوں گزار دیں گے، ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں، ہمیں پینے کی ضرورت نہیں ہے. حضرات محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا غمگین ہو گیا چہرہ، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جو صحابی آئے تھے ان کا نام حضرت سہیل، حضرت سہیل وہ کپڑا وہ جبہ جس کو کسی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا تھا انہوں نے اپنے بغل میں دبایا اور چل پڑے. حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، سہیل آگے آگے جا رہے ہیں، میں ان کے پیچھے پیچھے، میں فوراً نہیں اٹھا تھا کہ کہیں بارگاہ رسول میں بے ادبی نہ ہو جائے، موقع کی تلاش میں تھا اور موقع نکال کر کے میں سہیل کے پیچھے بھاگا. سہیل کافی آگے چلے گئے تھے، کافی دور تک چلے گئے تھے، میں دوڑتے دوڑتے ان کا پیچھا کرتے کرتے انہیں پکڑ لیا، اور میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کندھے پہ ہاتھ رکھنے کے بعد میں نے جھٹکا دیا، اور جھٹکے سے کیونکہ میرے اندر غصہ تھا، اور غصہ اس بات کا تھا کہ برسوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی غلام نے ہدیہ پیش کیا اور ان سے اتنا بھی برداشت نہ ہوا کہ کم سے کم دو چار دن ان کے جسم پر رہنے دیتے، یہ فوری طور پر مانگ لیے. ارے مانگنا ہی تھا تو دو چار دن کا موقع تو دے دیتے. ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اس کپڑے کو دو چار دن تو دیکھ لیتے، یہ فوری طور پر مانگنے کی کیا ضرورت تھی. اسی ادھیر بن میں پیچھے پیچھے بھاگا تھا، میرے اندر غصہ تھا، میں نے موڑھا پکڑ کر کے کھینچا، اور جب حضرت سہیل کا چہرہ میرے سامنے آیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت سہیل کی آنکھیں اشکبار ہیں اور ہچکیاں بنی ہوئی ہیں، رو رہے ہیں، گریہ زاری کر رہے ہیں. گریہ زاری کا انداز دیکھ کر، ان کا روتا ہوا چہرہ دیکھ کر میں سہم گیا، میں لرز گیا، میں کانپ گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی مظلوم پر میں ظلم کر رہا ہوں. آخر وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے، یہ کون سی بات ہے جو حضرت سہیل کو رلا رہی ہے؟ میرا بھائی، اس کے دل میں تکلیف کیا ہے، اس کے دل میں درد کیا ہے، اس کی آرزو کیا ہے، اس کی تمنا کیا ہے، پوچھے بغیر میں نے جو اپنے غصے کا اظہار کیا، کہیں میدان محشر میں میری پکڑ تو نہ ہو جائے گی. میں لرز گیا، میں کانپ گیا، میں ایسا سوچنے لگا، مانو اگر میری طرف سے ظلم ہوا ہے میرے بھائی پر تو زمین پھٹ جائے، میں اس میں دھس جاؤں. مجھے جینے کی تمنا نہ رہی، جینے کی تمنا نہ رہی، جینے کی آس نہ رہی، میں لرز گیا، کانپ گیا، میں نے روتے ہوئے سہیل کو اپنے گردن سے اپنے گلے سے دبوچ لیا، اور میں نے تسلی دے
था, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे, रोते हुए अंदाज में सिर्फ एक ही अल्फाज उनकी जबान से निकलते हैं, ए नाज़, अगर तुझे कुछ मालूम करना है तो शाम को तुझे खुद ही मालूम हो जाएगा, तुझे शाम को पता चल जाएगा, मुझे जाने दे, मुझे छोड़ दे, मैंने उन्हें छोड़ दिया। और जब ईशा की नमाज के बाद मैं जब वापस आया मस्जिद में आया, ईशा की नमाज के बाद तो मस्जिद में कर रहे हैं कि हजरत सुहेल का जनाजा रखा हुआ है, लोग जनाजे में शरीक हो जाओ, सुहेल का जनाजा रखा हुआ है, लोग उनमें शरीक हो जाओ। हजरत मोहतरम, सवाल करने वालों ने किसी ने सवाल किया था, उनके घर से इस बात का पता चला, लोगों ने पूछा था, ऐ सुहेल तुम्हें क्यों इतनी जल्दी थी, क्या जरूरत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तन पर, उनके जिस्म मुतहर पर, उनके जिस्म मुकद्दस पर बरसों के बाद अगर कोई कपड़ा आया था, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी थी, क्या जरूरत थी लगने की, तुम जानते हो कि रात वाले लगे हैं मना नहीं फरमाएंगे, तुम्हें क्या जरूरत थी। तो हजरत सुहेल कहते हैं मुझे जरूरत इसलिए थी कि मुझे मालूम था कि नबी पाक के जिस्म से अगर हुआ कपड़ा अगर मेरे तन पर लग जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सदके में मेरी मगफरत फरमाएगा, उसके सदके में मेरी मगफरत हो जाएगी। बस इतनी सी तमन्ना थी, क्योंकि इस्लाम में आने से पहले मैंने गुनाह बहुत किए थे, मेरे गुनाह मुझे रुलाते थे, मेरी बदकारियां मुझे रुलाती थी, मेरी तमाम बुराइयां मुझे रुलाती थी, मुझे बख्शिश का जरिया सिर्फ एक ही नजर आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक्दस का लगा हुआ अगर कपड़ा मैं ज़ेब तन कर लूंगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदके में मुझे माफ फरमा देगा, मेरी मगफरत फरमा देगा। तो ये सहाबा का अकीदा था, ये सहाबा का ईमान था। अज़ीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, सहाबा इकराम का उनका ईमान कितना था, कितना पुख्ता था। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछना लगवाया अपने पाए अकदस में। आजकल तो पूछने का सेंगी लगवाने का रिवाज ही खत्म हो गया है। पहले जमाने में फासिद खून को निकालने के लिए पूछना लगवाया जाता था, नाखून काटने वाली जो नहन्नी बोलते हैं उससे पैर पे मार के और फासिद खून निकाला जाता था। जिस तरीके से बीन होती है उसी तरीके से सेंगी होती थी, पैर में लगा के खून को चूसा जाता था और उसे दूसरे बर्तन में डाल दिया जाता था। हजरत मोहतरम, हजरत फुज़ैल इब्न अब्बास हैं, बारगाह रसूल में हाजिर हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, कोने में एक मटका रखा हुआ था और उस मटके में जो पूछना लगवाया गया था, सेंगी लगवाई गई थी, वो खून मौजूद था। हजरत फुज़ैल इब्न अब्बास से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसे ले जाओ और किसी जगह पर जमीन खोद करके उस पे दफन कर देना, उस खून को जमीन में दफन कर देना। इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फुज़ैल इब्न अब्बास लेकर चले और लेकर चलने के बाद में गली में गए, गली में जाने के बाद में आपने पूरा खून पी लिया। ऐसे ही उनकी महफिल में ये तकरीर कर रहा था तो एक साहब उठ के खड़े हो गए, बोले खून हराम है। मैंने कहा तू नमक हराम है? अरे पहले ये तो देख किसके खून की बात हो रही है। सुभान अल्लाह, जहन में जब अपने जैसा फिट हो गया है, बराबर ना, जहन में जब मामला अपने ही जैसा फिट हो गया है तो अपने ही जैसा सोचेगा ना। मलेरिया के मरीज को शहद भी कड़वी लगेगी ना। अरे तू देख ना किसके खून की बात हो रही है, ये किसी वहाबी के अकीदा से बता रहा हूं, सहाबी का अकीदा बता रहा हूं। हजरत फुज़ैल अब्बास वापस आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े, इरशाद फरमाते हैं फुज़ैल उस खून को क्या किया? तो हजरत फुज़ैल कहता है या रसूल अल्लाह ऐसी जगह छुपा दिया हूं कि किसी इंसान की नजर नहीं पड़ेगी,
ऐसी जगह छुपा दिया हूं किसी इंसान की नजर नहीं पड़ेगी। रब नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ फुज़ैल, अरे उस खून को पिया क्यों? तो हजरत फुज़ैल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इसलिए पी लिया कि जिस बदन में आपका खून होगा उसे जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। जिस बदन में आपका खून होगा जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। बेशुमार अहादीस करीमा से यह बात साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले आपके लुआबे दहन को खा जाया करते थे, सुभान अल्लाह, पी जाया करते थे। आप जब वजू फरमाते थे तो लोग वजू का पानी पूरे बदन में मल लिया करते थे, सरों पे मल लिया करते थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही वजह है कि एक बादशाह ने जासूस को भेजा कि जाकर के देख आओ मक्के के अंदर में किसी ने नबुव्वत का दावा किया है, वो हैं कैसे, उनकी रियाया कितनी है, उनके चाहने वाले कितने हैं, उनकी सिपाहियां, उनके सिपाही कितने हैं, जाकर के देख के आ जाओ। वो जब आया, आने के बाद बारगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दूर से देख रहा है कि आप वजू फरमा रहे हैं और तमाम के तमाम लोग कोई कतार बांध करके खड़े हैं, कोई पानी को जमीन पर नहीं गिरने दे रहा है, कोई पी रहा है तो कोई चेहरे पर लगा रहा है, तो कोई अपने सर पे मल रहा है, तो कोई दाढ़ी और दाढ़ी में मल रहा है। ये देख करके वहीं से वो कासिद वापस चला गया और जाने के बाद कहने लगा कि मक्के के अंदर में मैंने उन आदमी उस बादशाह को देखा है जिसकी बादशाहत का मामला ऐसा है कि लोग वो जब हाथ धोते हैं तो उसके पैरों को जमीन पर नहीं गिरने देते। अरे तुम मामले की बात कर रहे हो, अरे जिसके पानी को लोग जमीन पर गिरने नहीं देते उसका खून कब गिरने देंगे, उसका खून कब बहाने देंगे? लोग उनके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। हजरत मोहतरम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा और उनकी मंजिल हम क्या समझ सकेंगे, हमें उनके मकाम व मर्तबे का क्या पता चल सकेगा। कहने वाले ने कहा है, हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, कोई क्या जाने कैसा है काशाना मोहम्मद का, कोई क्या जाने कि कैसा है काशाना मोहम्मद का। अजीजाने मिलत इस्लामिया, अभी और गुफ्तगू जारी रखना है, अभी और नहीं, आप लोग बताइए क्योंकि बिजनेसमैन लोग हैं, हर चीज बाकायदा टाइम टू टाइम चलनी चाहिए, बराबर ना। आपको पहली शब है, गहरा ना गुजरे, कुछ और सुनना चाहेंगे या सलाम पढ़ लिया जाए? नहीं, मैं समझ रहा हूं क्योंकि हम लोगों का एक मिजाज होता है, थर्मामीटर लेके चलते हैं, जहां पे मीटर रिवर्स होने लगा वहीं पर स्टॉप कर देना पड़ता है। ठीक है, पहली मजलिस है और पहली मजलिस के हिसाब से आप इसमें हाजिर हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और कल से ज्यादा तादाद में आइए, क्योंकि कल से ऐसी टूटी फूटी तकरीर नहीं, वलवला अंगेज तकरीर आपको सुननी है। कल का प्रोग्राम बाद नमाज मगरिब होगा, मगरिब ताईशा। अच्छा, कल का प्रोग्राम बाद नमाज मगरिब ताईशा होगा, ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप लोग शिरकत फरमाइए और इस मजलिस को कामयाब बनाइए। मेरी दुआ है कि मौला ताला इस मजलिस को मस्जिद से रोड पर लेकर के आए और इस मजलिस को सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि पूरे बेंगलोर के अंदर में हम सबको याद हुसैन मनाने की तौफीक अता फरमाए। उमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए और सलाम पढ़ लीजिए। मत पे लाखों सलाम, शम्मे बस में हिदायत पे लाखों सलाम।
चमका तो है बाका चा जितने मरहूमीन हैं मौला ताला सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, सबके गुनाहों को माफ फरमा, सबके खताओं को माफ फरमा, सबको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, और जिनके अहलो जिनके अहलो आयाल और अहले खानदान के लोग बाहयात हैं मौला ताला सबको सेहत व आफियत अता फरमा, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, बीमारियों से शिफा याबी अता फरमा, बीमारियों से शिफा याबी अता फरमा, हम में से जितने भी बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, शिफाए आजिल अता फरमा, हम में से जितने भी परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, हम में से जितने कर्जदार हैं मौला उन्हें बारे कर्ज से शुक्रगोशी अता फरमा, हम में से जिनकी बच्चियां शादी की उम्र को पहुंच गई हैं मौला गैब से उन्हें रिश्ते नायाब अता फरमा, मौला ताला हम सब पर फजल फरमा, करम फरमा, रहम फरमा, हम सबको हसनैन करीमैन का सबका अता फरमा, अहले बैत अतहार का सबका अता फरमा, मौला ताला इस मजलिस के इनेकाद में जितने भी लोग दामे दिरमे कदमे सुखने मौला ताला इसमें लगे हुए हैं उन तमाम की खिदमतों को कबूल फरमा, उन तमाम की महब्बतों को कबूल फरमा, उन तमाम की अकीदतों को कबूल फरमा, मौला ताला दुनिया में अहले बैत की महब्बत और आखिरत में अहले बैत के सदके में हम सब की निजात अता फरमा, सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की व नूर अर्शी मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ۚ 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